आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। हमारा सोचना यह है कि हम इस कोरोना की बीमारी से बहुत हद तक घरेलू चीज़ों से ही बच सकते हैं। देखिए, ये दो लौंग हैं, ये काली मिर्च, ये डोड़ा और ये हमारा तेज पत्ता और ये जीरे और हींग। अगर हम इन चीज़ों का उपयोग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं अपनी सब्जी में अगर हम इन चीज़ों का उपयोग निरंतर रोज़ करते हैं तो हमें बहुत हद तक इस कोरोना से छुटकारा मिल सकता है। यह महामारी की तरह हमारे यहाँ फैल रही है। और इसके साथ ही हमें देखिए लहसुन और अदरक और प्याज, इन चीज़ों का भी इस्तेमाल लगातार सब्जी में करना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर में उस कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से बचाव के लिए कुछ तो एनर्जी मिलती रहेगी। कोशिश करना चाहिए कि हम इस बीमारी से घर पे ही उपाय करके बचते रहें। अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको बता रही हूँ। ये देखिए, मैंने अपनी गैस चालू कर ली है। और भैया, ऐसे समय में सरसों का तेल यूज़ करना चाहिए। सरसों का तेल बहुत अधिक एंटीबायोटिक होता है, जो हम लोग पहले तो यही तेल खाते थे। ये देखिए, मैं इसमें सिर्फ थोड़ा सा ही तेल डाल रही हूँ। और इसमें मैं अपने आलू, जो मैंने पहले से 4 आलू लिए थे, उनको उबाल के छील के और रख लिया है। ये तो सभी लोग जानते हैं, उबालना छीलना क्या बताना, फिर भी जो है मैं बता रही हूँ, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फ़ायदे वाली सब्ज़ी। मैं तो सोचती हूँ कि हम लोगों को घर में ही महिलाओं को ऐसा खाना बनाना चाहिए कि हमारे बच्चे सुरक्षित रह सकें। देखिए, ये मैं अपने आलू तल रही हूँ, ये मैंने 4 आलू तलने के लिए रख दिए हैं। अब मैं इस आलू को दूसरी गैस पे चढ़ा रही हूँ जिसमें ये आराम से बहुत कम आंच में और आराम से तलते रहेंगे। आलू तल के सब्ज़ी बनाने से बहुत ही टेस्टी बनती है। ये देखिए, मैंने अपना फ्राई पैन ले लिया है। अब मैं इसमें सरसों का ही तेल डाल रही हूँ मैं तो सरसों के तेल का ही उपयोग करने लगी हूँ जब से कि यह बीमारी फैली हुई है। मैं सरसों का तेल ही हर चीज़ में उपयोग कर रही हूँ। ये देखिए, मेरा तेल हो रहा है। इसमें मैं 2 लौंगें डाल रही हूँ और मैंने कुछ काली मिर्चें भी ले ली हैं जो मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसमें डोड़ा को मैं थोड़ा सा छील के डालती हूँ जिसमें कि उसका पूरा ही उपयोग इसमें हो सके। ये देखिए, मैं इस तरह से अपने डोड़े को छील के डाल देती हूँ। ये मैंने 2 तेज पत्ता ले लिए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरे, मैं इसमें जीरे डाल रही हूँ और हींग भी बहुत हद तक हमें इस बीमारी से बचाने के लिए सहायक होती है, इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी हींग भी डालती हूँ। मैं अपनी सब्ज़ी में वही चीज़ें डालती हूँ जो कि उपयोगी होती हैं। आप भी वही चीज़ों का उपयोग करिए जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक फायदे वाली होती हैं। मेरे आलू भी आराम से धीरे धीरे तले जा रहे हैं। ये देखिए, मेरा मसाला हो चुका है। अब मैं इसमें 4 लहसुन की पोथी डाल रही हूँ। अगर आप लहसुन का उपयोग हर सब्ज़ी में करना ज़रूरी है, लहसुन का उपयोग करिए।
इसमें मैंने एक इंच के हिसाब का अदरक ले लिया था, उसको भी छोटा छोटा काट लिया था। आप चाहें तो इनको पीस भी सकती हैं, पीस के डाल सकती हैं। ये देखिए मेरा लहसुन और अदरक हो रहा है। आपको तो पता ही है कि मैं कोई भी सब्जी, कोई भी मसाला बहुत नहीं बनाती हूँ, नहीं तलती हूँ, क्योंकि इनके सारे विटामिन ख़त्म हो जाते हैं। अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। बरसात में आप प्याज को पानी से धोकर उपयोग करिए, जिससे कि उसके कीटाणु ख़त्म हो जाते हैं, और संभव हो तो हरी धनिया को गर्म पानी में धोकर डालिए। हरी धनिया को थोड़ा सा गर्म पानी में धोकर डालिए, क्योंकि हरी धनिया में बरसात में बहुत छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं। ये देखिए मैं अपने मसाले को, प्याज को थोड़ा सा ही हल्का सा गुलाबी करती हूँ, ज़्यादा मैं कोई भी चीज़ नहीं करती हूँ। ये मेरे आलू बड़े आराम से सुनहरे सुनहरे तले जा रहे हैं। इनको समय समय पर थोड़ा सा चला देना चाहिए, नहीं तो ये लग जाती हैं। ये देखिए मेरे आलू भी हो रहे हैं और मेरी प्याज भी हल्की सुनहरी होने वाली है। ये देखिए मेरी प्याज हल्की सुनहरी हो चुकी है। अब मैं इसमें आधी चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ। धनिया अपने स्वाद के अनुसार डालना चाहिए। इसमें मैं 4 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ और आधी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। ये है मेरा गरम मसाला, मैं आधी चम्मच ही गरम मसाला डाल रही हूँ और मिर्ची मैंने डाली नहीं है। आप इसमें मिर्ची डालिए। मैं तो बच्चों के लिए पहले सब्जी निकाल कर फिर मिर्ची का तड़का लगा देती हूँ, जिससे कि बच्चे भी सब्जी बड़े प्यार से खा सकते हैं। ये देखिए मेरी हल्दी और धनिया भी हमारी प्याज के संग ही तली जा चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, मैंने बड़े बड़े 2 टमाटर ले लिए थे, इनको मिक्सी में पीस लिया था। मैं टमाटर इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए मेरा टमाटर हो रहा है। अब देखिए मैं अपने टमाटरों को बड़े आराम से थोड़ा ही भूनूंगी, ज़्यादा तो नहीं भूनती ना, लेकिन भूनना तो पड़ेगा ही, क्योंकि नहीं तो टमाटरों का स्वाद टेस्टी टेस्टी नहीं हो पाएगा। जब तक मेरे टमाटर हो रहे हैं, मैं देखिए इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक मिर्च तो अपने स्वाद के अनुसार ही डालना चाहिए, ये तो जो कोई जितना सब खाता हो उसको उसी हिसाब से डालना चाहिए। मैं ये तो कहती नहीं हूँ कि तेल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं टमाटर को ज़्यादा नहीं करती हूँ। ये देखिए मेरे आलू अच्छे ब्राउन ब्राउन भून चुके हैं, बहुत ही टेस्टी टेस्टी मेरे आलू तैयार हो गए हैं। आप इसमें लाल मिर्च अपने हिसाब से डालिए। मैंने तो बताया कि मैं बच्चों को निकाल कर फिर लाल मिर्च का उसमें थोड़ा सा तेल लेके बघार लगा देती हूँ। देखिए ये मैंने थोड़ी सी सोयाबीन की बरी इनको गर्म पानी में गला दिया था आधा घंटा पहले, तो ये देखिए कितनी अच्छी फूलकर और सॉफ्ट हो गई है। देखिए सॉफ्ट हो गई है बिल्कुल। आप भी गर्म पानी में पहले
सोयाबीन की बड़ी को गला दिया करिए। ये देखिए मेरे टमाटर भी भुन चुके हैं, थोड़ा सा तेल तो उन्होंने छोड़ ही दिया है। ये देखिए बहुत अधिक नहीं भूनना चाहिए, किसी भी मसाले को हमें जलाना नहीं चाहिए। अगर हम उसको जलाएंगे तो हमारी इन सब्जियों की पौष्टिकता ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत ही पौष्टिक चीज़ें होती हैं जो हमको ज़्यादा नहीं जलाना चाहिए। अब मैं अपनी बरियों का पानी निकाल रही हूँ। देखिए मैंने अपनी सारी बरियों का पानी निकाल लिया है, अब मैं इसको मसाले में डाल रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ सोयाबीन की बरी। सोयाबीन बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही फायदे वाली होती है, हमें सोयाबीन की बरियों का उपयोग करना चाहिए। हो सके तो हमें न्यूट्रीला सोयाबीन बरी आती है जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही शुद्ध होती है, उसका ही उपयोग करना चाहिए। लोकल की बरियों का उपयोग हमें कम ही करना चाहिए। ये देखिए मैंने अपनी सारी बरियों को इस तरह से पानी से निकाल कर और जो है अपने मसाले में डाल दिया है। अब ये हमारी बहुत ही अच्छी सब्जी तैयार होने वाली है। ये देखिए ये मेरे मसालों में बरियाँ अच्छे से हो गई हैं। अब इनको मुझे 2 मिनट ही चलाना पड़ेगा, मैं इसको इनको ढक के 2 मिनट कम गैस पर चलाऊंगी। ये देखिए हमारे आलू कितने बढ़िया तले जा चुके हैं और हमारा वीडियो भी लंबा नहीं हुआ। मैं इनको भी इसमें ही डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने अपने सारे आलू उसी में डाल दिए हैं। अब हम इनको बढ़िया से चला देंगे और इनमें मसाला भर जाएगा। 2 मिनट के लिए मैं अपने बरियों को ढकती हूँ। 2 मिनट के लिए मैं अपनी बरियों को, ये देखिए मैंने 2 मिनट इसको मसाले में कर दिया था तो मेरी बरी है ना उनमें मसाला अच्छे से भर गया है। ये देखिए वाह कितनी सुंदर, अगर इसमें लाल मिर्च और कश्मीरी मिर्च भी डल जाएगी तो ये सब्ज़ी तो होटल को भी मात कर जाएगी। बहुत ही टेस्टी सब्जी हमारी तैयार हो रही है। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, मुझे आप अपने हिसाब से इसमें पानी डालिए, मैं तो थोड़ी सी रसीली ही सब्ज़ी पसंद करती हूँ। आप बनाइए, सबको खिलाइए। धन्यवाद।